हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो हमने कल 11 चैप्टर किया था उसमें हमने सिर्फ 2 पार्ट किए थे। ये जो 11.1 है इसका हमने ए और बी पार्ट किया था। इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, पेरीमीटर निकालना है। आज हम जो सी वाला पार्ट है इसको देखेंगे। सबसे पहले आप ये फिगर बनाएंगे, जैसे कि ये मैंने नोटबुक में बना रखी है। यहाँ पर देखिए, ये वाली फिगर ऐसे बनानी है आपको, सेम स्केल के साथ बनाएंगे। यूज योर स्केल, स्केल जरूर यूज करना बच्चों को। आप ऐसे ही हैंड के साथ बना देते हैं तो वो गंदी लगती है। तो यहाँ पर जो ये साइड है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है ये वाली साइड, 4 सेंटीमीटर है। आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो साइड ही नहीं दी हुई है, तो यहाँ देखिए ये साइड, इसकी जो अपोजिट साइड है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी आप 6 ही लिखेंगे। ये भी 6 है तो ये भी 6 ही होगी। यहाँ पर देखिए जो साइड वाली है, यहाँ पर देखिए ये 2 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पर कोई इसकी साइड नहीं दी हुई है। तो ये 2 है तो ये कितनी होगी, ये भी तो 2 होगी। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर ही राइट करेंगे। इसके बाद ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर नहीं दी हुई, तो ये भी कितनी ही होगी आपकी, 8 सेंटीमीटर ही होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आप कब क्या करते हैं, कई बार ये फिगर बना करके जो इसमें दिए हुए सिर्फ उनको ऐड कर देते हैं, लेकिन जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे रेक्टेंगल की हमने बताई थी आप लोगों को, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो आप साइड में एक रफ लाइन लगा करके इसको ऐड करेंगे। जैसे 4 था, ये यहाँ पर 4 हो गया, ये 6 है, 6 6 आपको 2 times राइट करना है, एक ऊपर और एक नीचे राइट डाउन करना। 6 यहाँ पर 2 और एक ये 2 2 2, फिर 8 यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8। फिर हम इन सभी को रफ साइड में जो लाइन लगी हुई वहाँ पर ऐड करके देखेंगे। तो हमने ऐड किया, यहाँ पर 36 सेंटीमीटर आ चुका है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर पैरी मीटर, ऐसे ऐड के सिंबल आपने जरूर लगाने हैं। 4 + 6 + 6 + 2 + 2 + 8 + 8, इन सभी को आप रफ साइड में ही करेंगे, यहाँ पर कोई बच्चा ऐड नहीं करेगा। तो हम इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है, 36 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर राइट करेंगे। अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट हम पे डी पार्ट पे चलते हैं। जो हमारा डी पार्ट है हम इसकी भी फिगर ऐसे ही बनाएंगे। जैसे ये है, ये ऊपर वाले 2 सेंटीमीटर हैं, ये कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ पर देखिए, और ये है जो, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली है ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाली है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ये साइड कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसे फिगर बनाएंगे जैसे हमने नोटबुक में बनाई है। तो ऐसे ही जैसे हमने पहले में ऐड किया था, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पर साइड में कहीं पर भी डिजिट ना दी मिले आपको। इस साइड की 2 है, इस साइड की 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये भी 5 है। इसमें हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो इसके अंदर दिए वो वही ऐड करने हैं। ऐसे रफ नोटबुक में आप इनको ऐसे मेंशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करके देखेंगे। तो ये कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। फिर हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर, पैरीमीटर निकालना, फाइंड आउट करना हमें। तो ऐसे ही इनको आप ऐड करके देखेंगे, 5 + 5 + 2 + 3 + 3 + 2। ये नहीं है कि आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको पहले यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से कीजिए, लेकिन ऐड अच्छे से करें। तो हमारा कितना आया यहाँ पर, 20 बन जाएगा। 20 क्या बनेगा, सेंटीमीटर बनेगा। इसके बाद हम आती हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट है हमारा, ये फिगर बनानी है आपको। सबसे पहले ऐसे ही फिगर बनाएंगे आप। तो ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, चारों क्या ये इक्वल है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर ही है। आप इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पेरीमीटर। और जैसे हमने ये रफ नोटबुक लगा के साइड में लाइन लगाई हुई है, यहीं पर इनको ऐड करके देखेंगे। 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 1 2 3 4 टाइम आप यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी का ऐड करेंगे। तो 8 8 8 8 कितने बन गए, ये 32 बन गए। 8 + 8 + 8 + 8, तो इनको टोटल करने के बाद कितना आता है हमारा, 32। क्या है ये, लास्ट में सेंटी
मीटर है। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो 500 पार्ट करवाए गए हैं ये अच्छे से अपने नोटबुक में राइट डाउन करने। थैंक यू स्टूडेंट्स।